हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजान और लॉजिक गुरु में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं, शुभकामनाएं दे दूं लोहड़ी के लिए और कल की मकर संक्रांति के लिए। आज हमने जो वीडियो बनाया है, जैसे कि हमारा आप देख ही रहे हैं कि लगातार आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें हमने आपको कई सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री और MP। हिस्ट्री में भी हमने स्पेशल मुगल काल, जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, उस पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इसी प्रकार MP के और हिस्ट्री के टोटल हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, जो राज्य सेवा परीक्षा या व्यापम द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इन सभी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हिस्ट्री और MP से है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? और इसका सही जवाब है टोडरमल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये उस समय के पटवारी थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुजू के बाबरी बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 3, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में, जो अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई है? जैसे कि हम जानते हैं हुमायूं को गिरते पड़ते राज करने वाले बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 7, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुमताज महल का असली नाम क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुमंद मानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम था, जैसे कि हम जानते हैं बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारत का नेतृत्व किया था दिल्ली से, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है, हम जैसा कि जानते हैं सबसे छोटी इकाई थी आपकी ग्राम, और ग्राम से बड़ा था आपका जिला, जिसे दस्तूर कहा जाता था, तो ऑप्शन बी सही है, दस्तूर। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? जैसा कि हम जानते हैं शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है सी, शाहजहां। निम्न में से किसे हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी के सासाराम बिहार वाले मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरत। निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का प्रत्यक्षक कहा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं गुरिल्ला युद्ध है अचानक हमला कर देना, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 17, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 20,
शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 21। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीवाजीराव सिंधिया। जैसा कि हम जानते हैं महाजी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की स्थापना की थी और ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। वह अंग्रेज सम्राट जिसने जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 24। किस पुर्तगाली गवर्नर नीले पानी की नीति अपनाई थी? जैसे कि हम जानते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 25। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जैसे कि हम जानते हैं जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेज गवर्नर गए थे जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहां लगाया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत। क्वेश्चन नंबर 27। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम कंपनी पढ़ते हैं तो हम उनको फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाते थे। तो इसका सही जवाब है कि वो फैक्ट्री के साथ यानी कि उत्पादन केंद्र थे ही, साथ में वो भंडार गृह भी थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टॉमस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 29। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का बादशाह कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जैसे कि हम जानते हैं उस समय अकबर शासन कर रहे थे भारत में, जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, तो उस समय थे भारत के मुगल बादशाह अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पांडी वाशक युद्ध जो 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन से युद्ध के साथ समाप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है पेरिस की संधि के साथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34। प्रदेश का न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 35। थावर परियोजना कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंडला में। क्वेश्चन नंबर 36। सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खंडवा। क्वेश्चन नंबर 37। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 39। जबलपुर में कौन सा रेलवे जोन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण मध्य। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं दक्षिण महे लिखा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण मध्य। क्वेश्चन नंबर 40। रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 41। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका सही जवाब है NH3 जो आगरा मुंबई राजमार्ग है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1962। क्वेश्चन नंबर 43, भूमिया किसकी उप जनजाति है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 44, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र स्थित है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झाबुआ। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, तो सही आंसर है ए झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 45, किस जनजाति के लोग कबीरपंथी या कबीरहा कहलाते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पनिका। क्वेश्चन नंबर 46, बेवार कृषि की जाती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेगा। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 47। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश कुल कितने प्राकृतिक भूभागों में विभाजित है। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व यह 9 भागों में विभाजित था, लेकिन अब इसमें कुल 7 प्राकृतिक भूभाग है, तो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 49, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बने थे। जैसा कि हम जानते हैं सिंहदेव समिति 1998 में बनी थी, तो इसमें सही जिले जो बने हैं वो है ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक नगर का गठन किस वर्ष किया गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2003 में। जैसा कि हम जानते हैं इसे गुना से अलग करके बनाया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन इतिहास और मध्य प्रदेश के ऊपर। आप अगर इसी तरह और वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, प्रश्न हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।